अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल तक हमने लिटिल गर्ल्स वाइजर इस कहानी में आधी कहानी पूरी की थी। हमने ये जाना किस तरीके से मलाशा ने अकुल का के कपड़े पर कीचड़ उड़ाया और जैसे ही वो डर गई वो क्या करी, वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर अकुल का की मम्मी आती है। अकुल का की मम्मी उसको डांटते हैं कि तुमने नया ड्रेस गंदा कर दिया, अभी क्या। तब अकुल का सीधे सीधे बोल देती है कि मलाशा ने जानबूझ के मेरे कपड़े क्या कर दिए हैं, गंदे कर दिए। ये सुनने के बाद अकुल का के मम्मी क्या करते हैं, देखो जब वो कहती है कि मलाशा हैज़ पर्पजली स्प्लैश्ड इट ऑन मी, मलाशा ने जानबूझकर मेरे कपड़े पर कीचड़ उड़ाया है। अकुल का मदर ग्रास्ट मलाशा, ग्रास्ट यानी पकड़ लेना। अकुल का के मदर जाते हुए फट से मलाशा को पकड़ लेते एंड गेव हर अ नॉक ऑन द नेप ऑफ हर नेक। नेप यानी क्या, गर्दन का पीछे का हिस्सा। तो क्या करती है, मलाशा के गर्दन को यानी पीछे के हिस्से पर ज़ोर से एक फटका लगाते, नॉक लगाते। मलाशा बिगैन टू हाउल, फटका इतने ज़ोर से लगता है कि मलाशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हाउलिंग, ज़ोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, तभी उसकी मम्मी, मलाशा के मम्मी अपने घर से बाहर आते हैं। वाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर, शी बिगैन टू स्कोल्ड हर नेबर। मलाशा के मम्मी अकुलका के मम्मी को चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। देखो यू कैन सी हियर, तब वन वर्ड ब्रॉट बैक अनदर। इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे को पूछते पूछते झगड़ा बढ़ता जाता है। द वीमेन बिगैन टू क्वारल, क्वारल यानी झगड़ा करना। वो दो औरतें झगड़ा करने लगी। द मैन टू रैन आउट, घर के आदमी भी बाहर आ गए। एंड अ बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, और रास्ते पे बहुत बड़ी भीड़, क्राउड जमा हो गई, गैदर्ड। ऑल वर क्राइंग, सारे चिल्ला रहे थे। यहाँ पे क्राइंग यानी रोना नहीं, क्राइंग यानी चिल्लाना, शाउट करना। दोनों सारे के सारे लोग चिल्लाने लगे एंड नो बडी कुड हियर हिज नेबर। वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि उनके पड़ोस का, बाजू का आदमी क्या बोल रहा था वो भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था। दे स्कोल्डेड, वो लोग एक दूसरे को डांटने लगी। दे कर्स टीच अदर, एक दूसरे को गालियाँ, कर्स करना यानी गालियाँ देने लगी। वन मैन गेव अनदर मैन अ पुश, एक आदमी दूसरे आदमी को धक्का देने लगा। एंड अ फाइट हैड बिगम, और दोनों के बीच में बहुत ज़ोर से झगड़ा शुरू हो गया। वेन अकुलकाज मदर केम आउट, जब अकुलका की दादी घर से बाहर आए। शी स्टेप्ड इन द मिडस्ट ऑफ द पेजेंट्स, पेजेंट्स यानी क्या, किसान, फार्मर। तो उसने क्या किया, वो दादी जो थे वो बाहर आए और दोनों किसानों के, दोनों जो भीड़ बनी थी उनके मिड्स यानी बीच में जाके खड़े हो गए। एंड बिगैन टू टॉक टू देम, और उनसे बात करने लगी। यू कैन सी हियर, दादी आते हैं और उनके बीच में जाके बात करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग डियर, डियर वंस, कंसीडर द होलीडे। तो वो कहते हैं कि क्या कर रहे तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज शी इज़ वेरी एल्डर, बहुत ज़यीफ़ है। तो पूछते कि तुम बच्चे क्या कर रहे हो, कंसीडर द होलीडे, आज के दिन का तो भी कुछ इख्तियार करो, कुछ अहमियत बरतो। होली, यहाँ पे हॉलीडे नहीं है, होलीडे पकड़ा है। दिस इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, आज हमारा त्यौहार है, आज का दिन क्या है, रिजॉइस करना यानी खुशियाँ मनाने का दिन है। एंड सी वॉट सिन यू आर डूइंग, और सिन यानी गुनाह, देखो तुम क्या गुनाह कर रहे हो। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वूमन, उसमें से किसी ने भी उस बूढ़ी औरत की बात पे ध्यान नहीं दिया। पेड नो अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और उनको ऑलमोस्ट इस तरीके से धक्का दिया कि बेचारे गिर गए। शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम, उन्होंने कभी भी उनको नहीं रुकाया होता। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुलका एंड मलाशा, उनको पता था, वो दादी को पता था, अगर इन दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो अकुलका और मलाशा के लिए बुरी बात है। क्यों, फिर इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी क्योंकि फैमिलीज में झगड़ा हो गया। इसके लिए दादी उनका झगड़ा सुलझाना चाहती थे। देन दादी बहुत कोशिश करते उनका झगड़ा सुलझाने की। देन वॉट हैपन्स, वाइल द वुमेन एक्सचेंज वर्ड्स, अकुलका वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस। जब ये लड़कियां औरतें, घर की बड़ी बड़ी जो औरतें थी, वो एक्सचेंज वर्ड्स मतलब क्या, एक दूसरे को गालियां दे रही थी, एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी, अकुलका ने क्या किया, अकुलका वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस, अकुलका ने अपना ड्रेस साफ कर लिया, वाइप ऑफ साफ कर लिया। एंड वेंट बैक टू द पडल, और वापस उस गड्ढे के पास जाती है, इन द लेन, उस गली में। शी पिक्ड अप अ पेबल, उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया। एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड, और उसने क्या कर दिया, वहाँ पर ज़मीन में स्क्रैच यानी खुरेचना शुरू कर दिया। सो एज़ टू लेट द वाटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट,
ताकि उस गड्ढे का जो भरा हुआ पानी वो क्या हो जाए, बहके जाए रस्ते की तरफ। वाइल्ड शी वॉज स्क्रैचिंग, जब वो कुरेज रही थी, मलाशा केम अप एंड बिगैन टू हेल्प, मलाशा भी दौड़ते हुए आती है और उसको मदद करने लगती है। शी पिक्ड अप अ चिप, उसने एक पतली सी पत्थर की चिप उठाई एंड वाइडन द रील, और उस झरने के यानी जो मुंह स्क्रैच कर रही थी अकुल का, उसको चौड़ा करने लगी। ओके, देखो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। एंड देन द पेजेंट्स हैड बिगन टू फाइट, जब तक उन किसानों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। जस्ट एज द वाटर वेंट डाउन द रील टूवर्ड द प्लेस वेयर द ओल्ड मैन वॉज वुमन वॉज ट्राइंग टू सेपरेट देम, और तब तक वो पानी जो अकुलका और मलाशा कुरेच रहे थे, रील से चौड़ा कर रहे थे ताकि पानी बहके जाए उस गड्ढे का, वो पानी बहते बहते किधर तक आया, वो लोग जहाँ पर झगड़ा कर रहे थे वहाँ तक बहके आ गया, लेकिन तब तक वो लोग झगड़ ही रहे थे। द गर्ल रैन, गर्ल्स रैन वन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रील एंड द अदर फ्रॉम द अदर साइड, उस बहते हुए गंदे पानी के दो तरफ से दोनों लड़कियां भागने लगी, एक एक तरफ से दूसरी दूसरी तरफ से। लुक आउट मलाशा, लुक आउट, शाउटेड अकुलका, अकुलका ने वापस मलाशा को कहा, मलाशा संभल के, राइट। एंड देन मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हर सेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, मलाशा भी कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसको इतनी हंसी आ रही थी कि वो बोली नहीं सकी। द गर्ल्स वर रनिंग एंड लाफिंग एट अ चिप विच वॉज बॉबलिंग अप एंड डाउन द रील, दोनों लड़कियाँ भाग रही थी और हंस रही, किस लिए हंस रही थी, क्योंकि उस पानी के साथ एक छोटी सी चिप बॉबिंग अप पानी के साथ क्या कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी वो रील के, झरने के पानी में। दे रैन स्ट्रेट इन टू द क्राउड ऑफ द पेजेंट्स, उस पानी के साथ भागते भागते वो लोग कहाँ तक आके पहुँचे, उन किसानों के भीड़ तक आके पहुँचे। द ओल्ड वुमन सॉ देम एंड सेड टू द पेजेंट्स, उन दोनों को दादी ने देख लिया और वो उन किसानों को बोलने लगे कि शेम ऑन यू बिफोर गॉड, बोलते तुम्हारी तुम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। Why? You have started fighting on account of these two girls? तुम लोगों ने इन दो लड़कियों के लिए झगड़ा किया। And see, they have long ago forgotten it. तुम जिन लड़कियों के लिए झगड़ रहे उन दोनों ने तो अपना झगड़ा कभी का भुला दिया। The dear children have been playing nicely together. और वो मेरे दोनों प्यारे बच्चे मलाशा और अकुल का अभी खेल रहे हैं। They are wiser than you. वो लोग दोनों भी लड़कियाँ क्या है, तुम लोगों से होशियार है, क्योंकि उनको पता है झगड़े को उस वक्त कहीं रखना है, बाद में भूल जाना है। ऐसा बोलने के साथ वो सब लोग शर्मिंदा होते हैं। सी द मैन लुक्ड एट द गर्ल्स एंड दे फेल्ट अशेम्ड, शर्मिंदा होना, उन्होंने लड़कियों की तरफ देखा और वो शर्मिंदा हो गए। देन दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स, फिर वो लोग खुद ही हंसने लगे एक दूसरे की तरफ। एंड स्कैटर्ड टू देयर फार्म्स, स्कैटर्ड यानी बिखेर जाना यानी अलग अलग होना, वो लोग अपने अपने फार्म्स के लिए निकल पड़े। दिस इज़ द स्टोरी बाय काउंट लियो एंड टॉलस्टॉय, राइट, जो क्या किया था, उनकी जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कहानी नहीं थी, ये कहानी इंग्लिश में किसने बना के दिया आपको, लियो वाइनर ने, ओके, लेकिन उसके रियल ऑथर कौन है, लियो टॉलस्टॉय, ओके। नाउ यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आज भी मैं कल के जैसे आपको एक छोटी सी टेस्ट दूंगी जो आपको सॉल्व करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो वोकैबलरी है वर्ड्स उर्दू में देंगे जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, दैट्स इट, हैव अ गुड डे।